चाचा नेहरू अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इसकी वजह थी उनका मजाकिया अंदाज, उनका मजाकिया स्वभाव और नन्हे बच्चों के प्रति उनका प्रेम और अनुराग। ये किस्सा 1962 का है, जब चीन ने भारत पर एकाएक हमला कर दिया था, जिसमें हमारे देश को काफी हानि उठानी पड़ी थी। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उस युद्ध के बाद ही 14 नवंबर को पंडित जी का जन्मदिन था। पंजाब की जनता ने प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में योगदान देने के लिए नेहरू जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें सोने से तोलने का निर्णय किया। यह तय किया गया कि नेहरू जी के वजन से दोगुना सोना चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन स्थिति में मदद के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा कोष में दिया जाए। नेहरू जी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका वहां पर वजन किया गया। एकत्रित सोने में से उनके वजन के दोगुने के बराबर सोना तोला गया। दोगुना सोना लेने पर भी वहां पर काफी सोना बचा रह गया। बचे हुए सोने को देखकर नेहरू जी ने बड़े ही भोले अंदाज में कहा कि क्या ये बचा हुआ सोना वापस ले जाओगे? नेहरू जी के इस मासूमियत भरे शब्दों से वहां पर हंसी का वातावरण छा गया और बचा हुआ सोना भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया गया। तो ऐसे थे चाचा नेहरू।